Assalamu alaikum dear students hope you all are staying healthy and safe here i am again with the new video and today i am going to teach you about a lesson from your evs book that is lesson number 20 and the name of the lesson is safety rules safety rules are the rules that we use that we follow to protect ourselves दे दैट वी यूज़ दैट वी फॉलो फॉर आवर सेफ्टी ऐसे सारे रूल्स जो हम फॉलो करते हैं जो हम अपनाते हैं अपनी लाइफ में जिन पर हम यू नो जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए किसी तरह के खतरे से सो सेफ्टी रूल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये कुछ ऐसे रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं एंड ये हमें बचाते हैं ये हमारे बचाव के लिए कुछ रूल्स है वी मस्ट फॉलो सेफ़्टी रूल्स ऑल द टाइम दे हेल्प टू कीप सेफ़ हम सब को ये जो ऐसे कोई भी रूल्स जो है सेफ्टी के रिलेटेड वो सारे रूल्स हमें फ़ॉलो करने चाहिए रीज़न रीज़न ये है कि वो हमें बचाते हैं वो हमारी सेफ़्टी के लिए है वो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं सो so, ऐसी कोई भी आ, ऐसा कोई भी रूल अगर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी तरह के ख़तरे से या किसी भी चीज़ से हमें वो रूल जो है वो फॉलो करने चाहिए क्योंकि वो हमें बचाते हैं वो हमारे बचाव के लिए होते हैं सेफ्टी ऑन द रोड पहले हम देखेंगे कि हमें किस तरह की सेफ्टी करनी चाहिए रोड पे रीना वॉक्स टू स्कूल शी टेक्स केयर इन ऑलवेज वॉक्स ऑन फुटपाथ रीना एक लड़की है जो स्कूल जाती है बट वो पैदल स्कूल जाती है वो स्कूल बस में या किसी व्हीकल में स्कूल नहीं जाती है बट वो पैदल स्कूल जाती है लेकिन जब वो चल रही होती है स्कूल की तरफ वो अपना ख्याल रखती है कैसे वो हमेशा फुटपाथ फुटपाथ पे चलती है वो रोड के बीच में नहीं चलती बल्कि जो रोड के साइड में जगह होती है लोगों के चलने के लिए उसको हम फुटपाथ कहते हैं तो वो वहीं से चलती है जब भी उसको स्कूल जाना होता है वो उसी रोड उसी फुटपाथ से चलती है न कि रोड के मिडल में चलती है सो इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है किससे किसी तरह के एक्सीडेंट से क्योंकि अगर वो रोड के बीच में चलेगी या रोड पे चलेगी तो वहाँ पे ख़तरा है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है तो वो क्या कैसे अपनी सेफ्टी करती है कैसे अपने आप को बचाती है वो अपने आप को इस तरह बचाती है कि वो फुटपाथ पर चलती है ना कि रोड पर तो ये उसका एक तरीका है अपने आप को बचाने का एंड हमें भी ये करना चाहिए कि हमें फ़ुटपाथ पे जब भी हम चल रहे हों सड़क सड़क पे तो हमें सड़क के बीच में से नहीं चलना चाहिए बल्कि हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए जो फुटपाथ सड़क के साइड में जगह होती है वहाँ से चलना चाहिए शी क्रॉसिज द रोड एट जेबरा क्रॉसिंग जेबरा क्रॉसिंग एक ऐसी जगह होती है रोड पर जो कि जिस पर स्ट्रैप्स होती है ब्लैक एंड वाइट जो है जैसे कि जेबरा की स्ट्रैप्स होती है इसी तरह से रोड्स पे बनाए जाते हैं इसी ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स तो ये वो जगह होती है रोड पे जहाँ पे लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं जो लोग पैदल चल रहे हों जिनको रोड क्रॉस करना है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड तो वो इसी जगह इसी जेबरा क्रॉसिंग पे जो है रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनको पता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम उनको दिया जाता है कि जहाँ उनको रोका जाता है एंड उस टाइम पे लोग जिनको रोड क्रॉस करना होता है वो रोड क्रॉस करते हैं सो so, वो हमेशा रोड कहाँ पे क्रॉस करती है जहाँ पे जेबरा क्रॉसिंग हो वो ऐसे ही रैंडमली किसी जगह पे रोड क्रॉस नहीं करती सो so, ये भी उसका एक तरीका है अदरवाइज़ अगर वो कहीं पे भी रोड के किसी भी जगह पे रोड क्रॉस uh, करेगी वहाँ पे भी उसको ख़तरा है किस चीज़ से एक्सीडेंट से सो so, वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाती है बाई फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स बाई वॉकिंग ऑन द फुटपाथ एंड बाई क्रॉसिंग द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग एंड हमें भी ये दोनों जो सेफ्टी रूल्स है ये फॉलो करने चाहिए दैट इज़ वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ एंड वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग While crossing the road, she sees the pedestrian lights carefully. She knows that red light says stop, green light says go. जब भी वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो वो पेडेस्ट्रियन लाइट्स देखती है पेडेस्ट्रियन लाइट्स वो लाइट्स होती है उन लोगों के लिए लाइट्स होती है जो लोग सड़क पे चल रहे हों यू you नो know, सड़क के साइड में चल रहे होते हैं यू नो जिनके पास कोई गाड़ी नहीं होती या फिर वो किसी गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं बल्कि वो ऐसे ही यू नो वॉक ले रहे होते हैं तो ये लाइट उनके लिए होती है तो वो क्या करती है जब भी वो रोड क्रॉस करती है वो वो लाइट्स पहले चेक करती है उस पर पेडेस्ट्रियन लाइट्स पे दो तरह की लाइट्स होती हैं रेड लाइट विच इज़ फॉर स्टॉप ग्रीन लाइट विच से इज़ गो गो एक तो होती है रेड लाइट अगर रेड लाइट पेडेस्ट्रियन लाइट्स की तरफ आप देखोगे अगर वहाँ पे रेड लाइट है इसका मतलब है कि आपको रुकना है नो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो आपको रुकना है लेकिन जब वहाँ पे ग्रीन लाइट आएगी इसका मतलब है कि आप रोड क्रॉस कर सकते हो सो so वो ऐसे ही रोड क्रॉस नहीं करती है वो पेडस्ट्रियन लाइट्स पहले देखती है अगर उस पर रेड है तो वो रुकेगी वो पहले वेट करेगी जब तक ना वो ग्रीन हो जाएगी और जब वो ग्रीन हो जाएगी पेडस्ट्रियन लाइट्स उसी टाइम पे वो रोड जो है क्रॉस करेगी सो so ये भी उसका एक तरीका है सेफ्टी रूल को अपनाने का और ये भी उसका तरीका है अपने आप को बचाने का शी क्रॉसेज द रोड ओनली वेन द ग्रीन लाइट हर टू गो तो वो तभी सिर्फ रोड क्रॉस करती है जब वहाँ पे ग्रीन लाइट होती है जिसका मतलब है यू कैन गो आप जा सकते हो रेड लाइट का मतलब होता है रुकना स्टॉप कि आप अभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो जबकि ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप जा सकते हो आप रोड क्रॉस कर सकते हो सो so, जब भी रीना रोड क्रॉस करती है वो पहले पेडेस्ट्रियन लाइट्स देखती हैं जेबरा क्रॉसिंग पे अगर वहाँ पर रेड लाइट है तो वो रुकेगी वो वेट करेगी और अगर ग्रीन होती है तो वो उस टाइम पर रोड क्रॉस करती है सो so, ये था कि हम कैसे रोड पे अपने आप को सेफ कर सकते हैं उसके बाद है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग जब हम ट्रैवल कर रहे हों जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों तो हमें किस तरह की सेफ्टी करनी चाहिए किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए राहुल गोज़ टू स्कूल बाई स्कूल बस ही नोज दैट ही मस्ट स्टैंड इन अव विद अदरस विद अदर चिल्ड्रेन वाइल वेटिंग फॉर द बस राहुल एक ऐसा एक लड़का है जो क्या करता है जो स्कूल स्कूल बस पर जाता है ओके सो रीना एक लड़की थी जो स्कूल पैदल जाती थी बट राहुल जो है वो स्कूल बस में स्कूल जाता है तो अभी स्कूल बस में वो कैसे सेफ्टी यू नो के रूल्स फॉलो करता है ये हम देखेंगे ही नोज दैट ही मस्ट स्टैंड इन अ क्यू विद अदर चिल्ड्रन वाइल्ड वेटिंग फॉर द बस पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए और जो राहुल भी करता है वो ये है कि जब भी बस स्टॉप पर वो वेट कर रहा होता है गाड़ी का तो वो जम्बलिंग नहीं करते हैं वो एक दूसरे को धक्का मुक्की वहाँ पे वो नहीं करते हैं बल्कि वो एक लाइन में स्टैंड होते हैं सारे बच्चे जितने भी बच्चे बस स्टॉप पे होते हैं वो सारे एक क्यू में खड़े होते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो वो एक लाइन में खड़े होते हैं और अपनी टर्न का वेट करते हैं जब गाड़ी आएगी पहले जो सामने होगा वो चढ़ेगा उसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसी तरह से वन बाय वन वो गाड़ी में चढ़ते हैं वो एक दूसरे को धक्का मुक्की वहाँ पे नहीं करते हैं वो एक दूसरे को धक्का नहीं देते हैं या वो जम्बलिंग नहीं करते हैं सो so, ये एक सेफ्टी रूल है ओके ही मस्ट नॉट गेट आउट और गेट इन टू अ मूविंग बस्ट अब ऐसा कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जब हम ट्रैवल कर रहे हों जब हम कहीं जा रहे हों क्या गेट आउट और गेट इनटू अ मूविंग बस हमें उस टाइम पे गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए या उस टाइम पे गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए जब गाड़ी चल रही हो जब आप कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी चल रही होती है और कोई गाड़ी में ऐसे ही चढ़ जाता है या फिर गाड़ी अभी चल ही रही होती है और कोई गाड़ी से उतर जाता है वहाँ पे चांसेस है एक्सीडेंट होने का तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए हम कैसे वो कर सकते हैं हमें वेट करना चाहिए जब तक ना गाड़ी रुकेगी अगर आपको गाड़ी में चढ़ना है आप वेट करो जब तक न गाड़ी रुकेगी जब गाड़ी रुक जाएगी आप गाड़ी में चढ़ सकते हो एंड इसी तरह अगर आपको उतरना है तो पहले आप अच्छे से वेट करो जब गाड़ी रुक जाएगी और तो फिर हमें गाड़ी के उतरना चाहिए सो so, ये सेफ्टी रूल्स हमें फ़ॉलो करनी चाहिए दूसरा पुट पुटिज़ हैंड आउट ऑफ द मूविंग बस तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें भी करनी चाहिए और राहुल को भी करनी चाहिए दूसरी चीज़ यह है कि हमें अपनी गाड़ी जब भी हम गाड़ी में चल रहे हों हमें हाथ बाहर निक, नहीं निकालने चाहिए हमें अपने हाथ अपना सर जो है वो अंदर ही रखना चाहिए गाड़ी के हमें खिड़की के यू नो खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालने चाहिए या फिर अपना सर नहीं निकालना चाहिए और तीसरा डिस्टर्ब द ड्राइवर हमें ड्राइवर के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए फिर उसको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो सकता है इसकी वजह से वो एक्सीडेंट um, भी uh, होने का खतरा है सो so, सेफ्टी हमें कैसी कर कैसे हम कर सकते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे हों जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों पहले तो जब भी हम जहाँ पे गाड़ी में चढ़ा जाता है बस स्टॉप पे वहाँ पे हमें एक लाइन में खड़े होना चाहिए सो so, दैट हम अपनी बारी का वेट करें जब आपकी बारी आएगी गाड़ी में चढ़ने की तो आप चढ़ सकते हो ये नहीं कि हमें एक दूसरे को धक्का वगैरह नहीं देना चाहिए दूसरी बात हमें गाड़ी जो चल रही हो उसमें से ना तो उतरना चाहिए अगर और अगर गाड़ी चल रही हो ना तो उसमें उतरना चाहिए ना तो उसमें चढ़ना चाहिए हमें पहले वेट करना चाहिए कि गाड़ी रुकी है अच्छे से फिर उसमें हम उतर सकते हैं या तो चढ़ सकते हैं तीसरा हमें एक चलती गाड़ी में से सर या हाथ जो है बाहर नहीं निकालने चाहिए एंड लास्ट हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ओके okay? सो so, उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए किस पे उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि गाड़ी सिर्फ गाड़ी चलाने पे सो so हमें उसको किसी तरह की बातों में नहीं यू नो ये लाना चाहिए या फिर उनसे ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे उनका अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है और अटैन इसकी वजह से एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है सो so, ये ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमें फ़ॉलो करने चाहिए जब हम ट्रैवल कर रहे हों राहुल फॉलो सेफ़्टी रूल्स एंड देयर फॉर ही सेफ सो राहुल जो है वो ये सारे रूल्स फॉलो करता है इसी वजह से वो सेफ़ है इसी तरह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ही टेक्स केयर डैट ही प्लेज गेम इन अ पार्क और अ प्ले वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि वो खेलता कहाँ पर है प्ले ग्राउंड में या तो पार्क में वो रोड्स पर नहीं खेलता है जहाँ पर ख़तरा हो सकता है एक्सीडेंट का जहाँ पर खतरा है किसी तरह के नुकसान का तो वो सेफ जगह पे खेलता है या तो वो पार्क में खेलेगा या तो वो प्ले ग्राउंड में खेलेगा डजन क्लाइम्ब ऑन विंडोज़ ही नोज़ दैट ही कैन फॉल डाउन एंड गेट हर्ट और हाँ वो खिड़कियों पे यू you नो know, वो नहीं चढ़ता है या क्योंकि वहाँ पे ख़तरा है कि वहाँ खिड़की से हम गिर सकते हैं तो ही डज नॉट क्लाइम द विंडोज़ इससे क्या है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है खिड़की से गिर जाने से ओके okay? सो so, इस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को गिरने से वो बचाता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए नो खिड़कियों पे नहीं बैठना चाहिए इससे ये खतरा है कि हम गिर सकते हैं हमें रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए या फिर ऐसी जगह पे नहीं खेलना चाहिए जो कि सेफ नहीं है हमें प्ले में खेलना चाहिए जो कि ऐसी जगह ही है जहाँ पे खेला जाता है या तो पार्क में खेलना चाहिए जहाँ पे हमें किसी तरह का नुकसान नहीं है तो हमें ऐसी जगह पे खेलना चाहिए जो सेफ़ है और ऐसी जगह पे नहीं खेलना चाहिए जो अनसेफ है ओके राहुल एंड निखिल गोफर स्विमिंग लेसन राहुल और एक उसका फ्रेंड एक है निखिल वो स्विमिंग लेसन के लिए जाते हैं यू नो और जो तेर जहाँ पे तैरना आपको सिखाया जाता है तो वो वो क्लासेस लेने जाते हैं दे नो दे मस्ट दैट दे मस्ट चूज़ अ स्विमिंग ट्यूब दे स्टिल डोंट नो हाउ टू स्विम उनको पता है कि उनको ये इसको हम स्विमिंग ट्यूब कहते हैं तो उनको पता है कि उनको स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना चाहिए स्विमिंग ट्यूब क्या करता है स्विमिंग ट्यूब आपको बचाता है डूबने से जिसको तैरना नहीं आता है अगर वो स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करेगा इस्तेमाल करेगा तो इससे इंसान जो है वो डूबने से बच जाता है तो राहुल जब भी स्विमिंग लेसन के लिए जाते हैं वो इस ट्यूब का यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको भी तैरना नहीं आता है सो so, अगर वो ये यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे चांसेस है कि वो डूब सकते हैं बट वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स एंड वो इसका यूज़ करते हैं इसकी वजह से वो नहीं डूबते देर स्विमिंग लाइसेंस वो और क्या आ, उनको ये भी पता है कि आ, उनको यू you नो know, जब वो स्विमिंग लाइसेंस खत्म हो जा आ, हो जाते हैं तो उनको एक बात लेना चाहिए ओके दे मस्ट नॉट अभी ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करना चाहिए एक उनको स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए और लेसेंस ख़त्म होने के बाद एक बाथ लेना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए दैट इज़ कि जो वहाँ पे गहरा पानी है वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए और उनको अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए जिसको स्विमिंग नहीं आती है जो अभी लेसन ले रहा हो जो अभी सीख रहा हो स्विमिंग कैसे करते हैं एक तो उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे पानी गहरा हो एंड दूसरा उसको अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे चांसेस है कि अगर वो डूब गया तो उसको बचाने कोई नहीं आ सकता या फिर उसको बचाने वाला कोई वहाँ पर नहीं होगा लेकिन ये इससे बेटर है अगर हम किसी को साथ लेके जाइए जो आपकी हेल्प फिर कर सकता है नीता इज़ यंगर सिस्टर नीता जो है वो राहुल की छोटी बहन है राहुल केयर्स फॉर हर वन नीता गेट्स हर्ट विद अ ब्लेड राहुल वैन नीता गॉट हर्ट विद ब्लेड राहुल एक्सप्लेन दैट शी मस्ट नेवर प्ले शॉप ऑब्जेक्ट्स लाइक सिजर्स ब्लेड नाइव्स एक्सेट्रा सो राहुल की एक छोटी बहन है जिसका नाम नीता है एंड वो उसकी बहुत केयर करता है एक बारी क्या हुआ नीता जो है वो ब्लेड के साथ खेल रही थी और उसको लग गई ओके okay? तो उसको राहुल ने समझाया कि उसको आ, इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो शार्प है जैसे कि सिजर्स है जैसे कि ब्लेड है चाकू है इन चीज़ों से उसको नहीं खेलना चाहिए इससे इंसान को हार्म हो सकता है लग सकती है सो so, ऐसी चीज़ें जिनसे हमें लग सकती है वो उन चीज़ों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट दैट शी कूडन टच इलेक्ट्रिक वायर्स प्लग्स एंड हॉट आयरन्स उसने उसको ये भी बताया कि वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनको हाथ नहीं लगा सकती जो आयरन होती है जिससे हम कपड़े आयरन करते हैं वो जब हम यूज़ कर रहे होते उसको भी हम हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो गर्म होती है तो अगर हम उसको हाथ लगाएंगे हमारा हाथ जल सकता है अगर हम प्लग्स पे में हाथ को हाथ लगाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स को हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर करंट लग सकता है और उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है सो so, उसने उसको ये समझाया कि एक तो जो शार्प चीज़ें हैं जिनसे लग सकती है उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो बहुत तेज़ होती है जैसे कि ब्लेड है चाकू है इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए दूसरा जो वायरस है या फिर हॉट आयरन है उनसे भी दूर रहना चाहिए थिंग्स कैन हार्म तो उसने उसको क्या बोला कि ये जो चीज़ें अगर हम इन जैसी चीज़ों के साथ खेलते हैं तो इनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है तो उसने अपनी बहन को समझाया कि हमें इन जैसी ऐसी चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए जो तेज़ होती है और या फिर जिनसे ख़तरा है हमें नुकसान पहुंचने का तो हमें ऐसी चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए ही एक्सप्लेन टू हर देट मैस्टिक एंड फायर कैन बर्न हर स्किन उसने उसको बता बताया कि वो जो माचिस है उसके साथ भी नहीं खेल सकती है या क्योंकि आग लगने का खतरा जो है और उस अगर आग लग गई अगर उससे हाथ जल सकता है तो उसने उसको ये भी समझाया कि माचिस जैसी चीज़ उन उसके साथ नहीं खेलना चाहिए शी मस्ट ना प्ले विद दैम वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स सो दैट वी आर ऑलवेज़ सेफ सो हमें क्या करना चाहिए हमें ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए और ऐसे सारे रूल्स जो सेफ्टी रिलेटेड है जिनसे हम बच सकते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे बचाव के लिए है वैसे सारे जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए हमेशा बिकाज़ वो हमें सेफ रखते हैं वो हमें बचाते हैं बहुत सारी चीज़ों से किसी भी तरह के नुकसान से वो हमें बचाते हैं उसके बाद है फर्स्ट एड राहुल नोज दैट वन समवन गेट्स दे मस्ट इट टू द टीचर और एनी अडल्टमीडिएटली अगर आप स्कूल में हो और आप प्ले ग्राउंड में खेल रहे हो कोई गेम खेल रहे हो या फिर कहीं पे आप क्लास में कुछ आ, एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको किसी तरह से लग गई या आप गिर गए या फिर आ, आपको किसी ने धक्का दिया या फिर कुछ भी किसी भी रीज़न से अगर आपको लग गई तो हमें क्या करना चाहिए एक तो हमें अपने टीचर को रिपोर्ट करना चाहिए ओके बहुत जल्दी जो है हमें अपने टीचर को रिपोर्ट करना चाहिए और राहुल जो है वो भी ऐसा करता है जब भी किसी को लगती है तो वो पहले किसके पास जाता है स्कूल में टीचर के पास द हर चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड जो जिस बच्चे को लगी होती है उसको फर्स्ट एड दिया जाता है फर्स्ट एड जो है देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन क्लास रूम एंड इन कास्ट फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यू नो जिस बीक किसी इंसान को लगती है तो जो हम अगर, अगर हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हैं बहुत जल्दी या फिर हॉस्पिटल दूर होगा तो हम उसको वहीं पे जहाँ पे उसको लगी होती है अगर हमारे साथ होगा फर्स्ट एड बॉक्स तो हम वहीं पे उसको यू नो फर्स्ट एड देते हैं सो so दैट उसको किसी तरह से थोड़ा बहुत जो है रिलीफ मिले तब तक जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे सो so, फर्स्ट एड बुक बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती है जो एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ देती है किसको उस इंसान को जिसको लगी हुई होती है ओके okay, सो so एक फर्स्ट एड बॉक्स का ज़रूरी होना है कहाँ पे घर में जो है फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए गाड़ी में भी फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कि कभी भी कभी अगर किसी को लगी या फिर लग सकती है गाड़ी में या फिर स्कूल में या फिर घर में या फिर कहीं पे भी क्लासरूम में तो अगर कभी भी किसी को लग गई तो हम उस फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं फ़र्स्ट एड किट में क्या होता है उसमें बैंडेज होते हैं बैंडेड होता है उसमें सिजर्स होते हैं उसमें थर्मोमीटर uh, होता है uh, उसमें क्या यू you नो know, उसमें प्लास्टर्स होते हैं उसमें ग्लाउज़ होते हैं एडिसिव होता है सो so, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम यू you नो know, जल्दी से कुछ एक जो ट्रीटमेंट होता है ये उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता जो डॉक्टर्स करते हैं बट ये एटलीस्ट जो है उस इंसान को रिलीफ देते हैं उसको थोड़ा सा आराम देते हैं उस तकलीफ़ से थोड़ा उसकी वो तकलीफ़ कम करते हैं जब उसको लगी हुई होती है सो so, उसको ऐसा एक किट जो है जिसमें ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं आम, किसी जो बन, जिस, जिस भी इंसान को लगी हुई होती है उसको हम फर्स्ट एड किट कहते हैं आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे Thank you and have a very nice day.